shall recognize the whip and the leader who are duly authorized by Shiv Sena and not Shinde. Shinde is a faction and we don't recognize it. We only recognize a party. राजकीय पक्ष आपल्या हातात आहे, आपला आहे. त्याच्यासाठी 30 वर्ष घाम गाळून साहेबांनी हा पक्ष उभा केलाय. उन्हात, पावसात, आजारपणात सगळीकडे साहेब गेले. तुम्ही साहेबांना सभेतनं सवाल पण विचारतात? तुम्ही विसरलात 1984-2004 मध्ये इतनं रक्त गळत होतं, रक्त. हॉस्पिटल सोडून बायकोला सांगून नाही मला प्रचाराला जायचंय. पहिली सभा नागपूरमध्ये घेतली, 45 डिग्री टेम्परेचर होतं, इथनं लाळ गळत होती. आपला रक्त देणारा तुम्हाला निवडून आणण्यासाठी त्या बापाला एवढं दुःख देता आणि वरती म्हणता तो आमचा गुरु आहे. अरे गुरुवरती वार करायचे आणि नंतर नमस्कार करायचा ही महाराष्ट्राची आणि या देशाची संस्कृती नाही. तुम्ही महाराज, तुम्ही साहेबांना जखमी करून टाकलंय. परवो जखमी शेर असू शकतं, मतमतांतर असू शकतं, पण हे सगळं होत असताना इथं एकदा वेगळी भूमिका. त्याच्यानंतर पुन्हा उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आलं. त्या सरकारमध्ये मला वरिष्ठांनी, पक्षांनी, तुम्ही सगळ्यांनी, आमदारांनी उपमुख्यमंत्री केलं. कधी मी हू की सू होऊन दिलं नाही. मगाशी रुपालीने उल्लेख केला, करोनाचा काळ होता, कसं काम केलं ते तुम्ही बघितलं. कधी त्याच्यामध्ये हलगर्जीपणा दाखवला नाही, कारण आपण महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करतोय, आपण त्याची अर्थव्यवस्था सांभाळतोय, अशा पद्धतीनं सगळं झालं. मित्रांनो, तोही काळ तुम्ही बघितला. दुर्दैवाने काय घडलं मला माहिती नाही. शिंदे साहेबांनी वेगळी भूमिका घेतली. आम्ही वेळोवेळी आमच्या वरिष्ठांना सांगायचो काहीतरी वेगळं घडतंय, काहीतरी वेगळं घडतंय. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सांगायचो की मुख्यमंत्री महोदय, थोडीशी अस्वस्थता शिवसेनेमध्ये आहे, लक्ष द्या, तुम्ही राज्याच्या प्रमुख आहात. परंतु घडायचं ते घडलं. मित्रांनो, आज इथं सगळे आमदार बसलेले आहेत, त्या आमदारांना विचारा, माझ्याच उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या चेंबरमध्ये, मी मला कशाला महोदय म्हणतो, उपमुख्यमंत्र्यांच्या चेंबरमध्ये मीटिंग झाली. सगळे माझ्यासहित सगळे आम्ही 53 आमदार आणि विधान परिषदेवाल्यांनी पण सहाय्य केलं होतं. कोणत्या विक्रम 9 लोकांनी, सगळ्यांनी, जेवढे आता राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत, सगळ्यांनी सहाय्य करून एक पत्र तयार केलं. पत्र ड्राफ्ट केलं या सद्ग्रस्तांनी, हसन मुश्रीफ साहेबांनी, आणि ते सगळं सगळ्यांनी ऐकलं, सगळ्यांनी पाहिलं. ते पत्र ड्राफ्ट करून सगळ्यांनी सह्या केल्या. आपल्या वरिष्ठांना विनंती करा की सरकारमध्ये आपण गेलं पाहिजे, काम होणार नाहीत, अडचणी येतील, विकास होणार नाही, जनतेचे प्रश्न सुटणार नाही. लोक आपल्याला विचारतील की बाबा तुम्ही निवडून जाऊन काय केलं. काही काही तर पहिल्या टर्मचे आमदार, माजी दिलीपरावांची, भुजबळ साहेबांची सोडून द्या, आम्ही 7-7 टर्म, 6-6 टर्म, 8-8 टर्मचे आमदार आहोत. पण बाकीच्या आमदारांना वाटतं ना आमच्या पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न सुटावेत, आम्हाला 25-15 निधी मिळावा, 30-54 मिळावा, आम्हाला त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीनं निधी मिळावा, ठोक तरतूद मिळावी. मित्रांनो, आम्ही करत होतो. आम्हाला सांगितलं आता असं करा, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार आणि जयंत पाटलांची कमिटी केली आणि म्हणलं तुम्ही जावा आणि भाजपच्या वरिष्ठांशी बोला. भाजपच्या वरिष्ठांनी सांगितलं फोनवर, आसरी गोष्ट फोनवर बोलून चालत नाही, तुम्ही इंदूरला या. इंदूरला तिकीट काढली नाही, बरोडाच्या इंदूरवरून काही बरोडा. आम्हाला वरिष्ठांनी सांगितलं तुम्ही तिकडे गेला तर मीडियाला कळेल. आता म्हणलं सरकारमध्ये जायचं तर मीडियाला कळलं तर कळलं, नाही म्हणले जायचं नाही. आमची तिकीटं कॅन्सल केली, ह्यांनी तर स्पेशल फ्लाईट केलं होतं. आणि मी जयंतरावांचे नंतर सांगितलं फोनवर बोला, तोपर्यंत एकनाथ शिंदेंचा शपथविधी झाला नव्हता.
आणि वरिष्ठांनी सांगितलं की तुम्ही जर इथं येणार नसाल, मी दिल्ली सोडून इकडे आलोय, तर मला फोनवर बोलता येणार नाही, ही महत्वाच्या गोष्टी असतात, हे आशा करून चालत नाही। मला महाराष्ट्रातल्या जनतेला विचारायचं आहे, मला माझ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या जीवाभावाच्या कार्यकर्त्यांना विचारायचं आहे, आणि ह्याच्यातलं एक जरी खोटं असलं तर एका आमदारांनी उठावून सांगावं। सगळ्याच्या सह्याच्या पत्राची झेरॉक्सची कॉपी आज माझ्याकडे आहे, माझ्याकडे आहे, त्यामध्ये मला ती मी दाखवायची म्हटलं तर दाखवू शकतो का? मला लोकांच्या समोर त्या ठिकाणी विलन केलं जातं कळत नाही, काय माझी चूक आहे? या संदर्भामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी होत असताना आजही माझं ते दैवत आहे, आजही माझं ते श्रद्धास्थान आहे। पण कार्यकर्त्यांनो, महिलांनो, तरुणांनो, तुम्ही सांगा, एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। बैठक अजित पवार गुट की और दूसरी तरफ शरद पवार गुट की, और ऐसे में अजित पवार एक बेहद अहम बात इसमें कह रहे हैं कि आज भी वही हमारे दैवत हैं, यानी हमारे देवता तुल्य, यानी कि हमारे वरिष्ठ, हमारे नेता अभी भी वही हैं। एक बेहद अहम बात अभी इस वक्त कह रहे हैं अजित पवार, और इस बैठक में वो ये बात कह रहे हैं कि पार्टी के भलाई के लिए ये कदम उठाया गया। कोरोना काल में भी जिस तरीके से लगातार अच्छा काम करने की कोशिश हुई, चूक मान्य करून दुरुस्त करून पुढे जाऊ, पण कुणा करता चाललं हे, कशा करता चाललं हे, का अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं? काय आम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलो नाही, ही चूक आहे आमची। मित्रांनो, आज स्वतः आपले वरिष्ठ नेते चव्हाण साहेबांच्या समाधीला गेले, ठीक आहे, चव्हाण साहेब आपलं सगळ्यांचं दैवत आहे, माझ्याकडनं पण खोडचूच झाली होती, मी एक दिवस सकाळी 7 ते संध्याकाळी 8 पर्यंत तिथं न पाणी पिता न काही करता बसलेलो होतो, मला ते खूप मनाला लागलं होतं। परंतु मित्रांनो, काळ आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का? नाही, तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला वाटतं तुम्ही शतायुष्य व्हावं। वेगवेगळ्या महत्वाच्या संस्थांत मला सांगितलं, 2 मेला त्याच्या आधीच्या मीटिंगमध्ये, की आता मी राजीनामा देतो आणि मी संस्था बघतो। त्या संदर्भामध्ये राजीनामा दिल्यानंतर मी एक कमिटी करतो, ती कमिटी केल्यावर तुम्ही सगळे प्रफुल्लबाई, सुनील तटकरे, जयंत पाटील, त्याच्यामध्ये भुजबळ साहेब, धनंजय मुश्रीफ साहेब, अनिल देशमुख, सगळे तुम्ही प्रमुख बसा, आणि ते बसून सुप्रियाला राष्ट्रीय अध्यक्ष करा। आम्ही तयार झालो, तेही आम्हाला मान्य होतं। मित्रांनो, पुन्हा 2 दिवसात काय घडलं कुणास ठोक? त्याच्यातनं सांगितलं की आता मी मागे घेतो राजीनामा। राजीनामा मागे घ्यायचा होता तर दिला कशाला? तेही मला कळलं नाही। आणि मला महाराष्ट्रातल्या जनतेने सांगा, आज आमच्यामध्ये धमक किंवा ताकद नाही का सरकार चालवायची? आहे। आज महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये जे काही 4-5 जण प्रमुख नेते म्हणून पाहिले जातात, त्याच्यात माझं नाव कुठेतरी येते का नाही शेवटचं? मग आम्हाला का आशीर्वाद दिला जात नाही? घरात देखील 60 वर्ष झाल्यानंतर नवीन मुलगा आला की त्याला सांगितलं जातं, आम्ही शेतकरी घरातली माणसं, शेतकरी सांगतो की बाबा रे, आता तू 25 वर्षाचा झालाय, तू आता शेती बघायची, मी तुला सल्ला देईन। ही पद्धत आहे, उद्योगपतींची पण तीच पद्धत आहे।
परंतु बर आत्ता केलं जातं, आत्ता जो काही हट्ट, मी सुप्रियाशी बोललो, अगं सुप्रिया आपण एका घरातली एका कुटुंबातली होत, लहानाची मोठे झालोत, काहीतरी सांग, ते हट्टी आहेत, ते ऐकत नाहीत कुणाचं, असा कसला हट्ट आहे का? आमचा आदर आहे, मी म्हणतो खरंच आदर आहे, पण हे कुठंतरी महाराष्ट्रातल्या जनतेला पण कळलं पाहिजे. आता सांगितलं की काही काही आमदारांना बोलून घेतलं जातं, ते भेटले नाही तर त्यांच्या पत्नीला फोन केला जातो, त्यांना भावनिक बनवलं जातं. मी नाव घेत नाही, पण वरिष्ठ नेत्यांनी एकदा एका आमदाराला समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला, तो म्हणला आम्ही दादांना शब्द दिलेला, आता दादांच्या बरोबर आम्ही राहणार आहे. कारण अनेकदा हे सगळे आमदार म्हणायचे की दादा काहीतरी करा, काहीतरी करा. 2019 केलं ते आम्हाला माहिती नव्हतं, तुम्ही आता जर काही केलं तर आम्ही तुमच्या पाठीमागे ताकदीशी उभं राहू, हे सगळ्यांनी सांगितलं, वडीलदारांनी सांगितलं. आणि त्याच्यातनं महाराष्ट्रामध्ये नरेंद्र मोदी साहेबांच्या सारखं नेतृत्व देशामध्ये आहे, त्यांचा करिश्मा आहे, कुणी काही काही म्हणा, 14 एकट्या नरेंद्र मोदींच्याकडे बघून कन्याकुमारी पासून काश्मीरपर्यंत भाजप सत्तेवर आलाय, मोदींच्या करिश्मामुळे आला. 2019 पुलवामा आणि काही गोष्टी घडल्या, लोकांना त्यांचा 5 वर्षाचा कारभार पटला. 2019 पुन्हा ते सत्तेवर आले निर्विवाद, म्हणजे राजीव गांधी ज्यावेळेस 1984 पंतप्रधान झाले तेव्हा बहुमत कसं मिळालं, तेव्हा जास्त मिळालं, पण त्याच्यानंतर पहिल्यांदाच हे दोन्ही बहुमत मिळालं. परदेशात गेल्यानंतर परदेशी लोक आणि तिथले भारतीय पण त्यांचं उत्साहाने स्वागत करतात. जर आज देशामध्ये त्यांच्याशिवाय पर्याय नसेल तर आपण त्यांना पाठिंबा द्यायला काय हरकत आहे? त्याच्यामध्ये विरोधी पक्षाचं कडबुळं बांधण्याचं काम चाललंय, ज्याचा उल्लेख पटेल साहेबांनी केला. माझ्या पण तुमच्या सगळ्यांच्यामुळं काही काही विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची ओळखी आहेत. मी त्यांना म्हटलं काय झालं पाटण्याच्या सभेत, ते म्हणले सभेमध्ये आले होते सगळे मिटिंगमध्ये, परंतु काहीतरी घडलं. केजरीवाल ज्यांच्या ताब्यामध्ये दिल्ली आणि पंजाब आहे, दोन्ही मुख्यमंत्री तिथे बसले होते, काहीतरी त्यांचं फिचकटलं, दोघेही बाहेर निघून गेले, ट्विट केलं, ते ट्विट तुम्ही आम्ही बघितलं, झालं तिथंच फुसकाबार निघाला. त्याच्यानंतर स्टॅलिन जेवायला पण थांबले नाही, ते पत्र जेवले पत्रकार परिषद. अजित पवार को आप सुन रहे हैं, लेकिन बातों बातों में उन्होंने शरद पवार की उम्र को लेकर कुछ बड़ी बातें कह दी. मैं सीधे अपने सहयोगी विवेक का रुख करती हूँ. विवेक, हालांकि राजनीति तो वो पेशा है जहां कोई रिटायरमेंट चाहता भी नहीं है, कोई लेता भी नहीं है, हाँ हालात बन जाए तो जरूर ले लेता है. अजीत पवार का शरद पवार पर निशाना, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर. पवार साहब, अब हमें आशीर्वाद दीजिए, आपकी उम्र 80 के पार है, आप कब रुकेंगे, मतलब आप कब संन्यास लेंगे? बीजेपी में 75 साल में नेता रिटायर होते हैं, ये किसने कहा है? अजीत पवार ने. मैं विवेक का रुख करती हूँ अपने सहयोगी का. अजीत पवार जो ये कह रहे हैं उसके क्या मायने हम लेकर चले? रीमा, देखिए दो चीज इंपॉर्टेंट अजीत पवार ने कही है अभी तुरंत, हालांकि भाषण वो काफी देर से दे रहे हैं. पहला उन्होंने कहा है कि मैं पवार की संतान नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने सीधे सुप्रा सिले को हिट किया है. दूसरी बार उन्होंने कहा कि बीजेपी 75 साल में उन्होंने रिटायर हो जाती है, आशीर्वाद देते क्यों नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो शरद पवार को अब निशाना बना रहे. खाली उन्होंने नाम नहीं लिया है शरद पवार का, लेकिन नाम उनके ऊपर टिप्पणी जरूर करते हैं कि 75 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं, आपको रिटायर होना चाहिए. लेकिन अभी शरद पवार की उम्र 83 साल है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया है, लेकिन सीधे जो संकेत दिए, जो संकेत दिए वो सुप्रिया सुले और शरद पवार के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा है. और सुप्रिया सुले पे इसलिए भी टिप्पणी किया है, आपको बताना चाहूंगा कि जब वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने की बात हुई थी तो शरद पवार ने अजीत पवार को ना चुनकर अपनी बेटी सुप्रिया सुले को चुना था और प्रफुल पटेल को चुना था वर्किंग प्रेसिडेंट के लिए. तो उसको लेकर उन्हें टिप्पणी की कि वो पवार की संतान नहीं, इसलिए शायद उन्हें नजरअंदाज किया होगा, साइडलाइन किया होगा. उम्र को लेकर उन्हें सीधे पवार के ऊपर, शरद पवार के ऊपर अटैक किया है कि इतनी उम्र में तो लोग रिटायर हो जाते हैं, तो आप क्यों नहीं हो रहे हैं रिटायर? तो कहीं ना कहीं नाराजगी जो है अजीत पवार की, साफ तौर पर वो अपने मंच पर नाराजगी दिखा रहे हैं.
अब लगता है कि जो 2019 में जो हुआ था कि शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पाटिल आई थी पूरे मामले में और शरद पवार को मनाने अजीत पवार को मनाने की कोशिश की थी, अजीत पवार मान भी गए थे, लेकिन अब जो है रिलेशन इस कदर बिगड़ चुके हैं, इस कदर खराब हो चुके हैं कि अजीत पवार लगता नहीं कि अब वापस जाने के मूड में, क्योंकि वो पहली बार शरद पवार और सुप्रिया सुले के बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, तो जो डिस्टेंस है, जो दूरियां है, वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और शरद पवार की कोशिश यही रहेगी कि जो 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 विधायक नाराज हैं अजीत पवार को छोड़कर, उन्हें वापस अपने पास बुलाया जाए, लेकिन अजीत पवार की लैंग्वेज से साफ तौर पर हो रहा है कि जो टिप्पणी कर रहे हैं वो किसी का नाम बिना लिए हुए, लेकिन संकेत जो है वो सीधे सुप्रिया सुले और शरद पवार के ऊपर कर रहे हैं, तो नाराजगी साफ तौर पर उनकी इस सभा में दिख रही है। जी विवेक, आपने कहा कि पहले तो वापस लौट गए थे अजीत पवार, लेकिन इस बार ऐसी परिस्थिति बन नहीं रही है, तो अजीत पवार तो वापस नहीं लौटेंगे, कुछ विधायक क्या वापस लौट सकते हैं, क्योंकि खबर ऐसी है कि कुछ एक विधायक अभी नॉट रीचेबल है, उन तक किसी की पहुंच नहीं है, न वो अजीत पवार खेमे में न वो शरद पवार के गुट में, तो ऐसे में उन विधायकों की संख्या कितनी है जिन्होंने अभी तक मन ही नहीं बनाया कि किधर जाना है, किस खेमे का साथ देना है। देखिए इसमें ना पूरा ये नंबर गेम है, महाराष्ट्र में एनसीपी की 54 सीटें थी जिसमें से एक विधायक की डेथ हो गई तो 53 बचे, 53 में से अभी फिलहाल जो एट प्रेजेंट अजीत पवार के गुट में है वो 30 एमएलए हैं, 16 एमएलए शरद पवार के गुट में है, यानी कि 16 और 30 46 एमएलए हैं, अभी भी 7 एमएलए जो हैं वो अनरीचेबल हैं, 7 एमएलए कहाँ हैं, इधर जाएंगे या उधर जाएंगे वो डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से 30 एमएलए प्रेजेंट सिटिंग एमएलए अजीत पवार के साथ है, तो कहीं ना कहीं अजीत पवार का जो कट है काफी मजबूत दिखता हुआ नजर आ रहा है, शरद पवार को उम्मीद नहीं थी कि उनके पक्ष में उनकी मीटिंग में उनके प्रेजेंस में उनके रहते हुए इतने कम एमएलए वहां पर पहुंचेंगे, शरद पवार कहने के अनुमान लगा रहे थे, सुप्रिया सुले अनुमान लगा रही थी कम से कम 25 एमएलए या 30 एमएलए वहां तो हर हाल में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, लेकिन शरद पवार पहुंच चुके हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है, सुप्रिया सुले भी यहाँ पे मौजूद है, जो उम्मीद थी कि 25 एमएलए पहुंचेंगे वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई, अभी तक जो हमारे पास ऑफिशियल आंकड़ा आया है कि 16 एमएलए शरद पवार के मीटिंग में पहुंचे हैं, 30 एमएलए यहाँ पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं अजीत पवार का गुट जो है काफी मजबूत यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है, और अजीत पवार जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं कि 43 विधायक 6 एमएलसी और 3 सांसद उनके पक्ष में हैं और उनके साथ में खड़े हुए हैं, तो कहने के जो नंबर वो बता रहे हैं तो उसे साफ तौर पे लग रहा है कि अजीत पवार इस समय पॉजिटिव वाले नोट पर हैं और मजबूत दिख रहे हैं। बहुत हद तक ये तस्वीर अभी तक भी साफ नहीं हो पा रही है कि इस नंबर गेम की लड़ाई में शक्ति प्रदर्शन के दौरान किसके पास क्या है, लेकिन मेरे दो सहयोगी और इस वक्त जुड़े हैं, दिवाकर और श्रेया। मैं श्रेया आपके पास आऊं, लेकिन पहले दिवाकर से समझती हूं। दिवाकर, जो परिस्थितियां बनी हुई है उसको देखकर सबको पहले से मालूम था शरद पवार की उस मीटिंग से, जहां सिर्फ सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि अजीत बागी होंगे, ये शरद पवार को भी मालूम था और ये जो भी महाराष्ट्र की राजनीति को देख रहे थे उन्हें भी मालूम था, लौटना नहीं है अजीत पवार को, ये भी पिक्चर क्लियर है, लेकिन ये जो शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी तक किसके पास कितना नंबर गेम? देखिए रीमा, जब मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ पर शरद पवार की अध्यक्षता में एनसीपी की मीटिंग चल रही है, वाईवी चौहान जो सेंटर है, दोनों हॉल इस वक्त जो है कार्यकर्ताओं से की जो संख्या है वो शरद पवार के खेमे में फिलहाल बहुत कम है, कुल 16 विधायक हैं जिसमें से एक निर्दलीय देवेंद्र भुयार जो है उन्होंने निर्दलीय विधायक है उन्होंने शरद पवार को समर्थन दिया है, 15 विधायक जो है वो एनसीपी के खेमे के हैं जो शरद पवार के पास आए हैं, इसके अलावा जो 6 जो सांसद हैं वो इस वक्त इसी यशवंतराव चौहान में सेंटर में मौजूद हैं, 3 एमएलसी इस वक्त जो है यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कुल मिलाकर जो आंकड़ा शरद पवार सोच रहे थे कि उनके पास 40-42 एमएलए वापस आ जाएंगे, लेकिन वो होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, 30 एमएलए इस वक्त अजीत पवार के गुट में होने की बात कही जा रही है, यानी जो 8 आप विधायक बचते हैं उसमें से 7 विधायक अजीत पवार को चाहिए, क्योंकि अगर एंटी डिफेक्शन लॉ से बचना है तो उन्हें 37 का आंकड़ा चाहिए ही होगा और तभी उनके ऊपर वो कानून अप्लाई नहीं होगा, तो ऐसे में बिल्कुल दोनों खेमों की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द अजीत पवार के पास है या फिर कुछ कम विधायक है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तब तो मुश्किल में फंस जाएंगे अजीत पवार। श्रेया, क्योंकि अजीत पवार की मीटिंग जहां पर चल रही है उस मंच के नजदीक ही खड़ी है, तो श्रेया आप तो साफ तौर पर देख पा रही होंगी कि मंच पर कितने विधायक हैं, अब 37 यानी कि 2/3 वो जो बहुमत जिसके बाद दल बदल कानून लागू नहीं होगा वो है अजीत पवार के पास, दिखाई दे रहा है क्या इस वक्त?
देखिए इस वक्त अजीत पवार की जहां मीटिंग चल रही है हम वहां मौजूद हैं और इस वक्त अजीत पवार स्टेज पर मौजूद हैं और लगातार वो सारे लोगों को जो है वो संबोधित कर रहे हैं। और साफ तौर पर अगर हम नजारों के जरिए हम आपको बताएं तो स्टेज पे काफी ज्यादा एमएलए जो है वो अजीत पवार के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं यहां पे दावा किया जा रहा है कि 30 से ज्यादा एमएलए जो है इस वक्त अजीत पवार के साथ है। देखिए अभी कुछ दिन पहले तक यही बताया जा रहा था कि इस मीटिंग के जरिए साफ तौर पर ये क्लियर हो जाएगा कि किसके पास कितने विधायक हैं, किसके पास कितने एमएलसीज हैं। लेकिन अजीत पवार एक साथ अपने सारे लोगों को लेकर इस मीटिंग में पहुंचे थे, जिसकी वजह से अभी तक एक साफ आंकड़ा जो है अजीत पवार का वो सामने नहीं आ पाया है। लेकिन दावे तो यही किए जा रहे हैं कि 30 से ज्यादा विधायक जो है वो इस वक्त अजीत पवार के साथ हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से अजीत पवार मंच पे सारे लोगों को संबोधित कर रहे हैं, उनका गुस्सा शरद पवार सुप्रिया सुले के खिलाफ साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि अजीत पवार ने साफ तौर पर ये कहा कि शरद पवार अब 83 उम्र के हो गए हैं, वो अभी तक रिटायर क्यों नहीं होते। तो साफ तौर पर आज जो है काफी ज्यादा खुलकर अजीत पवार अपना गुस्सा मंच पर दिखाते नजर आ रहे हैं। वहीं काफी ज्यादा एफिडेविट जो है वो सारे लोगों से आज साइन करवाया गया है, लेकिन अभी भी नंबर के आंकड़ों को लेकर कुछ तय नहीं हो पा रहा है कि अजीत पवार के पास अभी भी कितने विधायक और एमएलसी है। लेकिन अगर हम तस्वीरों के जरिए देखें तो काफी ज्यादा आंकड़े जो है वो अजीत पवार के पास नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन 37 से अगर दो विधायक भी कम रह गए श्रेया, तो फिर इतना लड़ाई झगड़ा, इतना जो आरोप प्रत्यारोप चला है और आरोप अभी भी लग रहा है अजीत पवार के ऊपर, उन सबका फायदा क्या रहेगा? आप कह रही हैं 30 से ज्यादा विधायक हैं, पर सवाल श्रेया मैं ये पूछ रही हूँ कि 37 से एक भी कम रह गया, 37 से दो भी कम रह गया, तो फिर तो हाथ कुछ भी नहीं लगेगा ना अजीत पवार के श्रेया। देखिए साफ तौर पर आप जो कह रही हैं कि अजीत पवार के हाथ अगर एक दो लोग भी यहाँ से चले जाते हैं तो साफ तौर पर अजीत पवार के पास ऐसा कुछ नहीं बचेगा जिसके थ्रू वो आगे जाकर लड़ाई कर सकते हो। लेकिन लगातार अभी भी मंच पे जितने लोगों ने यहाँ पर संबोधित किया है पूरी जनता को, उसमें साफ तौर पर यही बताया गया है कि इनके पास आंकड़ों में जो नंबर है वो काफी ज्यादा है और ये जो लड़ाई है वो ऐसी ही लड़ी जाएगी। और सबका कहना यही है कि हम आपको बता दें कि एनसीपी का चेहरा जो है वो अजीत पवार ही, और अजीत पवार जब तक शरद पवार के साथ थे तो काफी ज्यादा स्ट्रगल जो है वो अजीत पवार ने किया है, हर वक्त शरद पवार के साथ वो खड़े रहे। लेकिन जितना हक उन्हें मिलना चाहिए आपके पास आती हूँ पवार को नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं श्रेया आपके पास आती हूँ। मैं विवेक के का रुख करूंगी, यहाँ दल बदल नहीं हुआ है बल्कि पार्टी पर एकाधिकार की कोशिश, और जो नियम कहता है वो ये कहता है कि जिसके पास पावर हो वही सब कुछ। पवार साहब अब हमें आशीर्वाद दीजिए, जो अब से ठीक कुछ ही देर पहले अजीत पवार ने कही है वो बातें हम आपके सामने दोहरा रहे हैं। आपकी उम्र 83 साल हो चुकी है, अब आपको रिटायरमेंट लेना चाहिए। क्या आपके घर में जन्म लिया, ये मेरी गलती, अजीत पवार का शरद पवार पर निशाना पहली बार खुलकर कुछ तल्ख शब्दों का भी इस्तेमाल किया, हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि शरद पवार मुझे आशीर्वाद दें। आपके घर में जन्म नहीं, मेरी क्या गलती, ये इस वक्त जो सुप्रिया सुले को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये उस एंगल को भी अजीत पवार लेकर चल रहे हैं। मैं विवेक का रुख करती हूँ। विवेक, जिस आंकड़े पे हम बार बार फोकस कर रहे, दरअसल जब भी ये मामला कोर्ट में जाए, स्पीकर के पास जाए, जहां भी आंकड़ों की संख्या ज्यादा है, पार्टी पर एकाधिकार उसी व्यक्ति का होगा जो हमारा संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से, जो चुनाव आयोग की तरफ से जो बातें आती है उसके हिसाब से, उसी का सब कुछ सर्वे सर्वा होगा। और इस वक्त ये जो शक्ति प्रदर्शन है, क्या ठीक उसी काम के लिए? बिल्कुल सही करें माँ, आपने देखिए अगर हम लीगैलिटी वाइज देखे जाए तो ये जो पार्टी क्लेम कर रहे हैं, शरद पवार क्लेम कर रहे हैं, अजीत पवार क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इनके क्लेम करने से कोई फायदा होगा जब तक स्पीकर या फिर कोर्ट ये ना तय करे कि आखिरकार पार्टी किसकी है, कितने विधायक किसके साथ हैं, व्हिप कौन होगा,